केंद्रीय सरकार देशेर सम्पत्ति रेल बिक्री करे दिच्छे। एरी प्रतिबादे एदिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनेर पक्ष थेके आलिपुरदुआर जिलार प्रतिटी रेल स्टेशने विक्षोभ कर्मसूची और डेपुटेशन प्रदान करा हय। केंद्रीय सरकार देशेर राष्ट्रीय सम्पद रेल बिक्री करे दिच्छे। एर प्रतिबादे एदिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनेर पक्ष थेके आलिपुरदुआर जिलार प्राय प्रतिटी रेल स्टेशने विक्षोभ कर्मसूची और डेपुटेशन प्रदान करा हय। এদিন কালচিনি রেল স্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে সিটু, আইএনটিটিইউসি ও ইউটিইউসি এর নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সিটু আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক বিকাশ মাহালি জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। क्या कार्यक्रम था आज आप लोगों का बताइए? आज हम लोग जो कार्यक्रम है जो देश का जो समस्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन से बीते कल 16 और आज का 17 तारीख को देश भर में जो देश का विभिन्न जो रेल स्टेशन है, रेल का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हम लोग देश का जो समस्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से बीते कल 16 तारीख में डेपुटेशन हुआ और हम लोग का जिला में आज हम लोग डेपुटेशन दिया। क्या मांग करते हैं इसको? मांग इसमें विशेष मांग ये है कि देश में आज जिसका जो राष्ट्रीय संपद है रेल, जिसका जनता का जो संपद है रेल, आज देश स्वाधीन होने का 72-73 वर्ष में भी कभी भी रेल बिक्री करने का नौबत नहीं आया, लेकिन आज ये मोदी सरकार आने के बाद में मोदी सरकार आज रेल को ही बिक्री कर दे रहा है, जिससे क्या होगा कि देश में जो बहुत सा कर्मी लोग उनका छटाई है, कर्मी छटाई तो कर रहा है, और जो देश का जो राष्ट्रीय संपद है इसको किसी भी तरह बिक्री करने नहीं होगा, ये हम लोग का दावी है। साथ में जो शून्य पद है अभी भी बहुत सा वैकेंसी है, उसमें कर्मी नियोग नहीं कर रहा है, उसमें जल्द से जल्द कर्मी नियोग करने होगा, ये हम लोग का दावी है। साथ ही जो केंद्र सरकार जो 100 रूट है, डबल रूट है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, और उसमें 151 जो ट्रेन है वो 109 रूट में वो चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका हम लोग तीव्र विरोधिता करते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। आज बीते कल आज हम लोग ये आग्रह करते हैं केंद्र सरकार को कि किसी भी तरह रेल को बिक्री करने हम लोग नहीं देंगे।